ऐसा कि हम बता दें, इस समय हम रामनगर चौक पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और अब सामने मेडिकल की दुकान भी है, परचून की दुकान भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत मात्रा में लोग एक साथ इकट्ठा है, कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। जैसे कि जिला अधिकारी का बयान आया है कि अब मेडिकल सारा दिन खुले रहेंगे, पर लोगों में आप तब भी देख सकते हैं कितना पैनिक है। लोग अब काफ़ी संख्या में यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसके साथ आप किराने की दुकान भी है, वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। अब भैया जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, DM के ऑर्डर आ चुके हैं, मेडिकल सारा दिन खुलेंगे, आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? नहीं, हम घबरा नहीं रहे जी, हम तो आराम से ले रहे हैं जी। आपको ये आपको सबको रात को नरेंद्र मोदी ने ये समझाया कि आप डिस्टेंस बना कर रखें, आपका डिस्टेंस तो कोई, आप तो एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हो। भाई दूरी बना लो, भाई एक दूरी बना लो भाई, जरूरी नहीं। सर DM के ऑर्डर आ चुके हैं, जो दुकानें हैं मेडिकल की सारा दिन खोली जाएंगी, कोई आप DM के ऑर्डर आ चुके हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इधर आप मेरी बात सुनिए कि DM के ऑर्डर आ चुके हैं, मेडिकल दुकानें सारा दिन खुली जाएंगी, तो लोग इतने घबराए हुए, पता नहीं क्या परेशानी है, पूरा दिन खुले इसके घर दवाई भी है, वो भी बार बार आ रहा है दवाई लेने, ऐसा कोई आफत आ रही है? पांच पांच गोली लो, एक एक पत्ता लो, छुट्टी करो, खुल रही है तो दिक्कत क्या है सबको? नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि अगर आप कहीं सामान ले रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस है जरूरी है, तो लोग सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं बना रहे हैं? सर हमने तो बनाया हुआ है और हम अभी आए हैं, सर मेडिसिन की जरूरत है, अदरवाइज तो हम घर से भी ना निकलते। आइए हम जैसे कि आपके दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेडिकल स्टोर तो किराने की दुकान में काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई थी, हमारे साथ अभी एक शख्स है। सर ये जो नरेंद्र मोदी ने कल कहा था आप डिस्टेंस बना के रखें, आप पालन करें कि एक जगह ना इकट्ठा हो, तो लोग बाग तो कई चीज़ का पालन ही नहीं कर रहे हैं। सही बात यह है कि ये दूसरों के लिए भी नुकसानदायक चीज़ हो रही है। वो एक कहावत है, खुद तो डूबेंगे ही सनम, दूसरे को भी वो तुझे भी ले डूबेंगे, बिल्कुल वही चरित्रार्थ हो रहा है। यहाँ पे कहीं से भी नियम का पालन, डिस्टेंस का पालन कहीं कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए, कल भी ये मेडिकल स्टोर खुलेंगे, कब भी होएगी। चलो जिसे हाई BP, ब्लड प्रेशर वैसी कोई दवाई है, लोग बाग यहाँ पे क्या नाम है, समझ लो बच्चों के टॉनिक के लिए, कोई ट्यूब के लिए, ऐसे हो रहे हैं जैसे यहाँ कल कोई मिलेगा ही नहीं। थोड़ा सा इन दुकानदारों को भी देखना चाहिए कि पैसा ही कमाना सब चीज़ नहीं है। 10 रुपये की चीज़ प्रिंट रेट पर ये बेच रहे हैं, सबको पता है 10 की चीज़, जो मास्क 20 का आया करता था वो आज 50 रुपये का हो गया। चलो वो भी सही है, लेकिन थोड़ा फासला बना के रखें, कहीं वो करके रखें, कुछ नहीं कर रही है। सब फिलहाल ये है कि हाँ, वो जैसे कल लॉकडाउन में पुलिस वालों ने जो कार्रवाई करी है, डंडा उठाना पड़ा उन्हें, वही तरीका सही है, बाकी सब बकवास। ऐसे ही कल रात को ये बोला गया था कि अगर आप सामान देंगे तो सोशल डिस्टेंस बना होना चाहिए, या तो सोशल डिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं। आप लोग तो कह रहे हैं, हम तो रस्सी बांध रखी थी हमने। तो सर आपको आपको बता दूं, अभी मैं देहरादून रोड पे खड़ा हूँ, हमारे पीछे एक ATM है, आप लोगों को ना 7 से 10 बजे तक की छूट मिली हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बाग काफ़ी मात्रा में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे निकालने के लिए लोग बाग आए हुए हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। सोशल डिस्टेंस बनाने को बोला गया है, चलो यहाँ तो सोशल डिस्टेंस लोगों ने लाइन कतार बना रखी है, कहीं जगह हमने आपको दिखाया वहाँ तो लोग बाग एक के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भी लोग बाग काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं, लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक है। और आइए हम लोगों से इस बारे में जानते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन हो चुका है, आप तेल क्यों भरवा रहे हैं, आप गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे, कहीं जाने का तो आपातकालीन स्थिति के लिए कहीं भी कुछ भी आवश्यकता पड़ जाती है, परिवार के साथ में कहीं भी निकलना पड़ जाता है। जैसे सरकार ने गवर्नमेंट ने छूट दी है 7 से 10 बजे तक के लिए डेली, तो उसमें कुछ भी इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, तो इसलिए रखना तो पड़ता ही है जरूरी। अनेक डुड़की की टीम भी आप सभी से यही अपील करना चाहती है कि आप इस कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए सहयोग दें, अपने घर में रहें, डिस्टेंस बना के रहें। जैसे ये कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री से लेके एक गांव के व्यक्ति तक को ये चीज़ का पालन करना पड़ेगा, आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं।